वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम। आज की कहानी का नाम है लोमड़ी की बेवकूफी। एक दफा की कहानी है, जंगल में एक शेर रहा करता था जिसका सारे के सारे जानवर बहुत एहतराम करते थे। ये देखकर लोमड़ी को बड़ी ही जलन और हसद हुई। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं शेर जैसी बन जाऊं ताकि सारे के सारे जानवर मुझसे भी डरा करें। लोमड़ी चली लोहार के पास और कहा, मुझे भी शेर जैसा दांत दो। जैसे ही लोहार ने सलाख लगाई, लोमड़ी की तो चीख ही निकल गई। इसीलिए लोमड़ी ने सोचा कि मैं अपनी खाल को शेर जैसा रंग देती हूँ। और फिर लोमड़ी ने फैसला करते ही रंग वाले का रुख किया। रंग वाले ने उसकी खाल को शेर जैसा रंग दिया। लोमड़ी बड़े ही रोब और दबदबे के साथ जंगल में दाखिल हुई और शेर जैसी आवाजें निकालने लगी। सारे जानवरों ने उसको देखना शुरू कर दिया और उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोमड़ी का सारा रंग पानी की नजर हो गया और सारे जानवरों ने उसका खूब मजाक उड़ाया कि कितनी ही बेवकूफ है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें अपना मुआवजना दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, जैसा कि लोमड़ी ने की। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं फिर एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।